चलिए इफ का एक और वर्जन देखते हैं। इफ को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इफ एंड एलिफ किस तरीके से वर्क करता है लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद कंट्रोल कहां मूव करेगा, यहां पर बुलियन एक्सप्रेशन पर। मान लीजिए यहां पर आया फॉल्स, तो कंट्रोल कहां मूव कर जाएगा, कंट्रोल मूव कर जाएगा एलिफ पर। अब एलिफ पर यहां पर देखिए फिर से बुलियन एक्सप्रेशन है, राइट। इसका मतलब यहां पर भी इवेल्युएट करेगा। मान लीजिए यहां पर भी आ गया फॉल्स, अब क्या होगा, अब कंट्रोल सीधा मूव कर जाएगा बाहर और ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर देगा। एक और सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये एग्जीक्यूट हुई, इसके बाद बुलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुआ और इस बार भी आया फॉल्स, कंट्रोल कहां मूव करेगा, एलिफ पर। यहां पर ये बुलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुआ और इस बार ये आ गया ट्रू, अब क्या होगा, ट्रू आया है तो कंट्रोल अंदर जाएगा, ये लाइन ये लाइन ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, यानी जो भी कोड आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद कंट्रोल बाहर जाएगा, क्योंकि बाहर वाला तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। क्लियर। फिर से एक सिनेरियो देखते हैं। ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये एग्जीक्यूट हुई, मान लीजिए पहला एक्सप्रेशन ये ट्रू आ गया होता, फिर क्या होता, फिर कंट्रोल सीधा अंदर जाता, ये लाइन ये लाइन ये लाइन जो भी लाइंस ऑफ कोड आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट करता। इसके बाद कंट्रोल यहां मूव नहीं करता, फिर कहां जाता, सीधा बाहर जाता। तो इफ एल्स या इफ एलिफ के केस में अगर एक कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, एक इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो चुका है, तो वो दूसरे में मूव नहीं करेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। क्लियर। और क्लियर हो जाएगा आपको नेक्स्ट जो मैं इफ का वर्जन ले रहा हूं उसके अंदर।